एक तारीख को हमारे डैडी और वाइफ का कोरोना का टेस्ट हुआ। दो तारीख को रिपोर्ट आई एंड अनफॉर्चुनेटली द रिपोर्ट वॉज पॉजिटिव। पॉजिटिव सुनते से ही दिमाग में सारे तरह के नेगेटिव विचार आ गए कि अब नगर निगम की टीम आएगी, सर्वे होगा, आसपास सैनिटाइजेशन होगा, बैरिकेडिंग होगी, पड़ोसी किस तरह से हमें देखते हैं, हमारी लापरवाही का बखान करेंगे एंड सो ऑन। आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शियर शॉक क्योंकि मेरे डैडी 80 इयर्स की एज है उनकी और डायबिटीज भी है उनको, दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं। सो मुझे लगा कि अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और वहाँ की अव्यवस्थाएँ इनके बारे में सुन चुके थे अपन, वहाँ का जो एग्जॉर्बिटेंट बिल आता है उसके बारे में भी मुझे बहुत चिंता थी। नेक्स्ट डे नगर निगम की सर्वे की टीम आई, दो लोग आए नीचे बुला करके हमसे मरीजों के बारे में, जो भी पेशेंट्स हैं हमारे डैडी और वाइफ उनके बारे में पूछताछ की, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हैं वो, ऐसे करके ठीक उन्होंने सर्वे किया, बहुत अच्छे से बात की एंड वो चले गए। उसके बाद एक मेडिकल टीम आई टेस्ट करने के लिए, तो मैं और मेरा बेटा दोनों हमने टेस्ट कराया, आसपास के लोगों ने टेस्ट कराया और बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगा कि जो भी स्टाफ था वहाँ पे जो टेस्ट कर रहा था, जो हमारे नाम की एंट्री कर रहा था, रजिस्टर कर रहा था, बाद में रिपोर्ट दे रहे थे ये लोग, दे वर सो ब्यूटिफुली ट्रेंड। उन्होंने हमें ज़रा भी टेंशन, ज़रा भी स्ट्रेस नहीं होने दिया। अदरवाइज नो गेटिंग योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोरोना इज सो स्ट्रेसफुल कि पता नहीं। उसके बाद एक डॉक्टर और उसकी टीम आई, उन्होंने डैडी और वाइफ के बारे में पूछताछ की, उनके सिम्टम्स क्या हैं और उन्हें नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, उनका आपके पास क्या क्या थर्मामीटर ऑक्सीमीटर वगैरह है, ये सब उन्होंने पूरी जानकारी ली एंड देन दे सेड कि ठीक है आप इनको होम आइसोलेट कर सकते हैं। एंड शी वॉज सो एमिकेबल, सो पोलाइट इन टॉकिंग कि ज़रा भी जितना भी मन में टेंशन था इस पॉजिटिव सुनने के बाद में वो सारा धीरे धीरे इट वॉज यू नो कमिंग डाउन, इट वॉज फेडिंग डाउन। उसके बाद शाम को 5 बजे टैंकर केम फ्रॉम नगर निगम, उसने पूरे घर को बाहर से सैनिटाइज किया, 5-7 मिनट तक वो स्प्रे करता रहा और आसपास के घरों में भी स्प्रे किया उसने, देन ही वेंट। 1.5 घंटे बाद एक डोरबेल बजी और एक बंदा पीपी किट पहन के केम इनसाइड, उसके हाथ में कुछ स्प्रे गन थी, उसने पूरे घर का सब रेलिंग, खिड़कियाँ, हैंडल, सोफा, पलंग, एवरीथिंग, बाथरूम्स के अंदर जाके नलों को, सबको सबको उसने बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया। मतलब आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ की सरप्राइज कि चल क्या रहा है ये, क्या कोई प्राइवेट एजेंसी है जो सुबह से शाम तक ये कर रही है। एंड दे आर सो प्रॉम्प्ट, दे आर सो यू नो सो हैप्पी पीपल, सो ये आपको मतलब ये इनको काम करते देखना, इनसे बातें करना, इट इज सो रिलैक्सिंग एंड थिंग्स डोंट स्टॉप हियर। अगले दिन से दोनों के पास में वीडियो कॉल्स होने लगे, कोई मेडिकल सेंटर से कॉल आता था इनके पास में और पूरी बात उनसे पूछते थे कि आपको रात को नींद अच्छी आई, आपने क्या खाया, भोजन क्या किया, दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगवा करके और उसकी रीडिंग, पल्स की रीडिंग चेक करते थे, थर्मामीटर लगवा के टेम्परेचर वो नोट करते थे, दिन में 3 बार उनके कॉल्स आते थे और इतने अच्छे से बात करते थे कि जैसे आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आप विजिटिंग जो डॉक्टर्स आते हैं आपसे बात करते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, आपकी तबीयत पूछते हैं एंड देन दे रिलैक्स यू, तो उससे भी बेहतर ऐसा लगता था कि जैसे इनके कॉल आ जाते थे उनकी जो मॉनिटरिंग होती थी और जिस तरह से वो बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वी आर एज गुड एज वी आर इन अ हॉस्पिटल और हमारे पास एक अच्छा एक्सपर्ट विजिटिंग डॉक्टर आ रहा है और वो हमारी देखभाल कर रहा है, ऐसी फीलिंग थी। 10 दिन तक हमारा ये सब चलता रहा, प्रोसेस पूरी चलती रही और 11वें दिन उन्होंने, वो नगर निगम की टीम आई, उनका फ़ोन आया पहले उनका, उसके बाद टीम आई, उन्होंने इन दोनों को सर्टिफिकेट्स दिए कि नाउ यू आर मैं कोरोना नेगेटिव और अब आप 7 दिन बाद घर से निकल सकते हैं, आप घर में घूम सकते हैं, अब आप आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी क्वारंटाइन एट होम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इस 10 दिन के प्रोसेस में जानी, मैंने ये देखा है कि जब से ये कोरोना हुआ है तब से कई लोग एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, सरकार को लेकर के, नगर निगम, कलेक्टर, कमिश्नर, इन लोगों को लेकर के, दे आर वेरी वेरी नेगेटिव, जबकि मेरा ऐसा अनुभव रहा कि मैं इतने गहरे शॉक में था और ये 10 दिन में मैंने देखा कि जो पूरी सरकारी मशीनरी है, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है एंड दीज पीपल दे वर वंडरफुल। सो यू नो मुझे ऐसा लगा कि बिना किसी चीज़ की जानकारी के हमें ये जो नेगेटिविटी हम क्रिटिसिज्म करते हैं वो ठीक नहीं है, जानना चाहिए पहले उसके बारे में, उसके बाद हमें अपनी राय बतानी चाहिए। तो इस मेरे डैडी अब पूर्णतः स्वस्थ हैं, मेरी वाइफ शी इज़ वंडरफुल नाउ, चीयरफुल, आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड
टूवर्ड्स द यू नो द मेडिकल स्टाफ द डॉक्टर्स जिन लोगों ने भी मॉनिटरिंग की, जो नगर निगम से आए सैनिटाइज करने के लिए आए, जो भी लोग इसके पीछे हैं, द कलेक्टर द कमिश्नर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, माई हार्ट इज रियली डीपली फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम। और सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से शत शत नमन।